आप लग्जरी जो आइटम्स है उसके दाम बढ़ा दो। मैं भी अगर 100 रुपीस के अकॉर्डिंग पर लीटर पेट्रोल डला रहा हूँ, लगभग सारे पेट्रोल के ही हैं, तो भी हमारे लिए बहुत है, जबकि इतना मतलब पर बैलर कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है कि आप उससे किसी भी लोगों से 100 रुपीस का चार्ज करें। मुझे मोदी जी पर और निर्मला सीतारमण जी पर विश्वास है, वो जो करेंगे ठीक करेंगे। डिफेंस का अपने आप में सिक्योरिटी का है, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी भी डिफेंस का एक पार्ट है जिसको गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एजुकेशन फी पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या लगता है आपको कि किन चीज़ के दाम बढ़ाने चाहिए सामने से, कि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, आपको लगता है कि इसके ऊपर अब थोड़ा सा लोग इसको कम लेना स्टार्ट करें, तो इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि किस चीज़ के दाम ऐसा लगता है कि बढ़ने अब शुरू होने चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि जो GST की स्लैबिंग है ना, वो खुद में ठीक नहीं है उतनी right. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ वैल्यू एडेड चीज़ें हैं जो कि उनका GST स्लैब बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनका स्लैब नीचे होना चाहिए, जो नॉर्मल हर डे यूजेस पे है तो उनका स्लैब नीचे होना चाहिए, जो हर एक इंसान हर दिन यूज़ करता है उनको आप कम करो। और कुछ जो अल्ट्रा लग्जरियस है, मैं लग्जरी पे भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक मिडिल क्लास फैमिली भी लग्जरी आइटम को अफोर्ड करता है, बट कई बार वो उस GST या जो भी टैक्सेशन है उसके कारण वो उसको अफोर्ड नहीं करता। कहीं ना कहीं अगर कोई भी अगर 100 लोग खरीद रहे ना एक चीज़ को, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा। आप उसके GST को कम करो नहीं करो। और सबसे बड़ा बात है अभी पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाना है, क्योंकि अगर आप अभी भी देख रहे हो चाहे किसी से भी खरीदे इंडिया, अभी उतना प्राइसिंग नहीं होना चाहिए जितना, अगर मैं भी अगर 100 रुपीस के अकॉर्डिंग पर लीटर पेट्रोल डला रहा हूँ, लगभग सारे पेट्रोल के ही हैं, तो भी हमारे लिए बहुत है, जबकि इतना मतलब पर बैलर कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है कि आप उससे किसी भी लोगों से 100 रुपीस का चार्ज करें। मुझे मोदी जी पर और निर्मला सीतारमण जी पर विश्वास है, वो जो करेंगे ठीक करेंगे। डिफेंस का अपने आप में सिक्योरिटी का है, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी भी डिफेंस का एक पार्ट है जिसको गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और डिफेंस अपने आप में आई थिंक अच्छा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, उसमें मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से ठीक ही कर रही है। पुरानी पॉलिसी कर रखी है, जैसे LIC है या SBI की है, उनमें टैक्स GST लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। वो टैक्स को कम करने के लिए तो भर रहे हैं उसको, अब आज उसकी ज़रूरत नहीं रही जितनी, तो उस पर कम होना चाहिए ना। आप लग्जरी जो आइटम्स है उसके दाम बढ़ा दो। मिडिल क्लास फैमिली वो लग्जरी आइटम को अफोर्ड नहीं करता है, तो उसे बढ़ा दो। लेकिन जो फूड आइटम है, जो और एक एजुकेशन सिस्टम वाली जो है, एजुकेशन फी जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना दिक्कत है। मिडिल क्लास फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे लोन लेना पड़ता है, किसी से कर्ज लेके ही अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। तो एजुकेशन फी पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और सर डिफेंस के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या डिफेंस के ऊपर भी और खर्चा बढ़ना चाहिए? और ना देखिए बढ़ना ज़रूर चाहिए, लाइक अदर कंट्रीज़ को आप मैनेज करते हो, उनको देखते हो, उनके हिसाब से हमारा डिफेंस का बजट जो भी काफ़ी लो है, लेकिन उसमें भी आई थिंक कि जो हमारी पेंशन जाती है ना, लाइक जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको जो हमारी अभी पेंशन जा रही है, 1 Pension 1 Scheme जो चल रही है, उसमें हमारा काफ़ी बजट जो है ना, जो डिफेंस का टोटल बजट है वो काफ़ी खर्च हो जाता है उसमें। तो एटलीस्ट इतना बजट रखें कि जो हम नई मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, नई डिज़ाइनिंग कर सकें, नई रिसर्च कर सकें डिफेंस फील्ड में, या फिर कोई इक्विपमेंट हमें परचेज करने हैं, बाहर से लेने हैं, तो उस पर भी अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। एवरीवन इन सेक्टर 62 वी टॉक टू डिफरेंट पीपल, वी टॉक अबाउट देम कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट। सम सेड अबाउट EV, सम सेड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सम सेड अबाउट कल्चर, एंड सम सेड अबाउट दैट इट इज़ द परफेक्ट टाइम कि GST को भी अब फिक्स किया जाए, पेट्रोलियम को भी GST में लाया जाए। सो वॉट एग्जैक्टली इज निर्मला सीतारमण प्लानिंग, नो वन नोज एज ऑफ नाउ, बट इन जस्ट 3 days टाइम वील ऑल गेट टू नो दैट वॉट एग्जैक्टली इज कमिंग आउट ऑफ द निर्मला सीतारमण बैग दिस टाइम। सो दिस वॉज मी अंश पांडे, One India News.